कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 3 दर्जन से अधिक यात्री घायल। एंकर, थाना राया क्षेत्र में आज तड़के सुबह यमुना एक्सप्रेस पर भीषण हादसा हो गया। सोमवार सुबह कोहरे के चलते 2 बस आपस में टकरा गई, जिससे लगभग 3 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं एक यात्री की हालत नाजुक बनी हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 110 के समीप थाना राया क्षेत्र में सुबह 3 बजे उस समय चीख पुकार मच गई, जब आगरा की तरफ से नोएडा की तरफ जा रही 2 बसें तेज गति से चलने के कारण, कोहरा होने के कारण आपस में भिड़ गई। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर राया पुलिस व यमुना एक्सप्रेसवे सुरक्षा कर्मी घटना स्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को बसों से निकलवाकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। वहीं अन्य यात्रियों को गंतव्य को रवाना करते हुए मार्ग को साफ करते हुए आवागमन शुरू कराया गया। मथुरा से न्यूज टाइम 365 के लिए ब्यूरो चीफ इखलाक कुरैशी की रिपोर्ट। मोहम्मद सोए कैसे करना है? रात में 3 बजे के टाइम पर सो रहे थे, नींद में थे, तो एकदम इसने ब्रेक मारे, आगे इसकी गाड़ी पलटी है। क्या हुआ इसने बचाने के चक्कर में पता नहीं ब्रेक मारा क्या, इनने डिवाइडर में सीधे ब्रेक मार दी गाड़ी। अब काफी आदमी उसमें घायल हो चुका है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे? हम मोरिया से दिल्ली जा रहे नरेला। कितने बजे की घटना? ये 3 बजे सुबह की टाइम पर। क्या नाम है? कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे, कैसे घटना? निवासी आप? मेरा नाम दिव्या और हम दिल्ली के रहने वाले। तो ये घटना हुई थी, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम सैलोपुर से दिल्ली जा रहे थे, भोगनीपुर से। तो कितने लोग होंगे आप? हम लोग 4 फैमिली थी। तो आपके कितने लोग घायल हैं? कितने लोग घायल हैं? काफी हैं, बच्चों को छोड़ के सारे हैं। करीब रात में 3 या 3:45 का टाइम होगा, तो बस बहुत तेज चल रही है। पहले एक गाड़ी में उसने एक्सीडेंट किया, उसके बाद वो फिर गाड़ी चलती रही, दोबारा डिवाइडर से टकराने पे हम लोगों को ज़्यादा चोटें आई। बस में कितने लोग सवार? करीब 30 से 32 लोग थे। हमारा परिवार, हम 15-16 लोग थे, हमारे भाई की डेथ हो गई थी 26 दिसंबर, तो हम गांव चले गए थे। तो हम पूरा, हमारे दो भाई, दोनों बहनें, हम लोगों के बच्चे, 16 लोग हम घर भोगनीपुर से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में ही जॉब करते हैं। तो उन लोगों को कुछ ज़्यादा चोटें हैं, तो इधर कहीं पास नहीं बता रहे, संघी हॉस्पिटल है, उनको वहाँ पर कर रखा। हम और हमारे छोटे भाई की वाइफ और हमारी सिस्टर, 3 लोग यहाँ आ गए हैं।